मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हारा दिन अच्छा है जा तो तुम अच्छा खाना खा लो, और साइड बाई साइड बहुत कुछ मानना है मेरा। एंड आज उसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए मैं सोच रहा हूँ, बहुत दिन हो गए थे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, तो क्यों ना, इफ यू आर नॉट गेटिंग द कंटेंट देन क्रिएट द कंटेंट। तो भैया अब कंटेंट हमारे लिए क्या है आपको पता है? अगर जो हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारे लिए कंटेंट क्या है। हमारे लिए कंटेंट है हमारी टार्जन। ऑल्दो आजकल यहीं खड़ी रहती है तो बहुत गंदी हो रखी है, पर आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग इंडी थ्रॉटल्स। मेरा मन तो सच बताऊँ साइलेंसर का बहुत कर रहा है कि इसका साइलेंसर चेंज करा दें, साइलेंसर चेंज करा दें। पेंट्स भी लेके आने हैं, इस पर भी पेंट करना है, ब्लैक ही कर दूंगा या देखते हैं खोल के जैसा भी होगा। ठीक है, बहुत मन था साइलेंसर चेंज वही काम करने का, लेकिन बजट बहुत चला जाएगा, 8-9 हज़ार रुपये टोटल हो जाएगा। इतना पैसा मेरे पास इस टाइम नहीं है, पर मतलब इतना टाइम हो गया, 11,000 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है हमारे साथ। ठीक है ना, इसकी रिव्यू वीडियो मैंने शूट कर ली थी बहुत टाइम पहले ही, एंड वो रिव्यू वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी चैनल पर। तो अब थोड़ा सा टाइम आ गया है इसको भी पैम्पर करने का। जैसा कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये वाइज़र टूट गया था, है ना। वाइज़र का सामान तो मेरे पास है तो मैं वाइज़र लेके आ सकता हूँ, राइट ही अच्छा रहेगा आइडिया। मैं गुड्डन को फ़ोन करता हूँ, वाइज़र का सामान है वो मुझे पकड़ा देगी। और इंडिकेटर्स ख़राब हो गए थे इसके, ऑल दो अगर आप देख पाओगे इसकी इंडिकेटर की हालत क्या हो रखी है, जस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। मेरा एक बहुत अच्छा ट्रेजिडी हुई थी। तो पहले तो मेरा प्लान बहुत कुछ था यार, सच बताऊँ मैं पैसे भी जोड़ रहा था टायर्स वगैरह के लिए, पर एक छोटी सी ट्रिप आ गई है दोस्तों के साथ जिसमें कि आई विल बी गोइंग टूवर्ड जयपुर। एंड पहली बार बात सुन लो, बाइक राइड नहीं होने वाली, दिस विल बी वी विल मतलब कार से जाएंगे, कार रेंट कर लेंगे। ऑल दो तुम्हें पता यार मेरा बिल्कुल भी मन मानता नहीं है, पर आर्मेनिया से मानव भैया आए हैं, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो कभी कभी यारी दोस्ती के लिए भाईचारे के लिए वी हैव टू डू। फाइनली फाइनली वो टाइम आ गया, पता है सुबह से मीटिंग वगैरह थी, थोड़ी बहुत शेड्यूल थी, कुछ कॉलिंग शेड्यूल थी, उन वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था तो नहीं कर पा रहा था काम। लेकिन अब 7:30 बजे मैं निकल रहा हूँ बाइक को लेके, कि भैया देखो अपने को ना मोटिवेशन चाहिए थी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की, और जैसा कि मैंने कहा था भैया मेरी सारी मोटिवेशन अब बाइक में ही बचती है। मैं परेशान होता तो मैं बाइक को थ्रॉटल करता हूँ, बाइक को भगाता हूँ, एंड इट इज़ द केस राइट नाउ। फिलहाल कराते हैं इसकी मॉडिफिकेशन, और जो इंजन थोड़ा सा भर 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 करने लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली चलाई आज दो से पिछले एक हफ्ते से मैंने स्टार्ट होने के लिए बोला था, हो गई थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी आपकी। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 7:39, सुबह से सारी मीटिंग वगैरह निपटा के, पता है मैं बताऊँ सही बताऊँ बोल दो भैया की दुकान 8:30 बजे बंद हो जाती है। मैंने कॉल करा, मैंने कहा भैया आ जाऊँ, बिकॉज आज का दिन जीरो प्रोडक्टिविटी के साथ बीतता अगर मैं आज के दिन में कुछ ना उखाड़ता, लेकिन आज हम उखाड़ेंगे इसको, चेंज मतलब मॉडिफाई कराएंगे। थोड़ा सा काम है, बहुत सारा काम है, थोड़ा सा तो नहीं, अगर मैं कराने आ गया तो मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, बट लेट्स सी व्हाट इज। एंड वी आर हेयर एट SKD, ठीक है ना। भैया का जो रेफरेंस है मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। और तो मेरा और कुणाल भैया का हमेशा मोटिव रहा है कि टार्जन को खुद ही मॉडिफाई करने का, और एक बार आफ्टर मार्केट भी ट्राई कर लेना चाहिए। दैट जो डिसाइड किया है मैंने, एक्चुअली इंडिकेटर्स तो मेरे को चेंज करवाने ही थे, दूसरा अप्रॉक्सीमेटली आपका ये लाइट हटवा दूंगा, और इंडिकेटर्स, मोबाइल चार्जिंग होल्डर, ठीक है ना, और वाइज़र ताकि अपनी वो लुक फिर से वापस से आ जाए। दूसरी चीज़ जो कि मैंने सोची है, मेरा मन है तो लाइट फॉग लैंप लगवाने का, लेकिन यार थोड़ा सा बजट बाहर जा रहा है थोड़ा सा। बाइक पे कभी कभी पैसा खर्च होता है, एक मूड कर रहा है कि मैं करवा लूँ, एक मूड कर रहा है कि मैं ना करवाऊँ। अभी फिलहाल सच बताऊँ समझ नहीं आ रहा कि मैं करवाऊँ तो करवाऊँ क्या, बात हो रहा हूँ पर सच बताऊँ मेरे को मानवी से मैंने बात करी, मानवी भी ये कह रही थी कि युवराज जिसकी चीज़ की अभी ज़रूरत है वो करवा, धीरे धीरे करवाएगा जोर नहीं पड़ेगा, एकदम से करवाएगा तो जोर पड़ेगा। इंडिकेटर्स की तेरे को थी ज़रूरत, आगे वाला टूटा था उस वजह से तो सारा ही पेयर चेंज होता है, तो कह रही उसकी थी ज़रूरत वो करा ले कोई बात नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है अभी वो ही करवा तो बेहतर रहेगा, ऐसा मानवी का कहना था और वो बात भी ठीक है। तो स्लाइडर मैं अभी सोच रहा हूँ स्लाइडर ना लगवाऊँ, मोबाइल वाला सीन पता क्या होता है यहाँ पे, मुझे ठीक लग रहा है मोबाइल वाला सीन,
एंड मोबाइल वाला सीन चलता भी है यार, बिकॉज चार्जिंग केबल तो अपने को चाहिए ही चाहिए, चार्जिंग सॉकेट और मोबाइल होल्डर तो मैं कहीं पे भी जाऊँ, छोटा मोटा जगह भी निकलूँ तो चाहिए ही होता है। तो एक काम करता हूँ अभी, इंडिकेट हजार्ड वाइजर मोबाइल चार्जर जिन्हों में करवा लेता हूँ, ठीक है। मन तो किराया जुगाड़ वगैरह का भी था, मैं खर्च करने करो मैं सच बताऊँ मैं कर दूँ, पर सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना वो मेरे साथ फिर ये आएगी दैट मैं मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये आएगी दैट फिर मैं ना जयपुर में अच्छा खर्चा नहीं कर पाऊँगा। बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी बाइक मॉडिफिकेशन से रिगार्डिंग ही है, मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके वो बताऊँ। Everyone here is to just earn. इस दुनिया में सभी कमाने आए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो पैसे कमाता हूँ, पर पता क्या है, आई नेवर प्रोवाइड द रॉन्ग क्वालिटी। तो कल वाला व्लॉग आज कंटिन्यू करते हैं। सीन ये हुआ था कल, बेसिकली सच बताऊँ मैं क्या हुआ था कि जो बंदा लगा रहा था इंडिकेटर वो क्या कहते थे हजार्ड वगैरह, तो वो कहता कि भैया ये ना आपके बहुत ही कम दिन चलेंगे, उसने मेरे को और डीमोटिवेट कर दिया। उन्होंने कहा वाह भाई, मतलब अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं और कोई बंदा समझ रहा है कि हमारे लिए हमारी बाइक कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसने फिर ये बोल दिया। फिर मेरा थोड़ा सा मूड था कि इस चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड लेके आऊँ, ठीक है, लेकिन फिर मेरे को ये हुआ यार जो बंदा बता रहा है उसकी नौकरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसने कुछ भरोसा रखे होता है, अपन गीता नहीं खा सकते ना। यार फिलहाल आज अपन सबसे मिलवाएंगे आपको, ठीक है, टाइम हो रहा है 2:52, मैं मीटिंग से उठा के डायरेक्ट पायलट्स आया हूँ, भैया के साथ बाइक खड़ी कर दी मैंने। चल रहा है। पहले से ही मीटिंग चल रही थी यहाँ पे, ठीक है ना, तो वी विल जस्ट इंट्रोड्यूस एवरीवन। हेलो, क्या हाल है शोएब भाई? शोएब भाई का फुल ज्ञान चलता है हर टाइम, कई बार तो बंदा परेशान हो जाता है सुन सुन के, पर शोएब भाई बोल बोल के परेशान नहीं होते, आदत है उनकी, वो बोलते रहेंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, बट दिस इज द मेन थिंग, जो बोलता है वो चलता है। फिलहाल वेले बैठे हैं, कोई मीटिंग नहीं, चैलेंज है, जाएगी नहीं जाएगी। देखा फिर से वन सा गया, ओ थोड़ी देर गई। सो इट हैज ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं एंड खाना पीना चल रहा है, सारा सीन सेट भाई, कुछ मीटिंग्स थी कुछ प्लानिंग थी हुई, और यही है यार पता है ऐसे चलता है, अपन कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, टीम लेवल क्रिएट करते रहते हैं, ईमो की सप्लाई आउट करते रहते हैं लोगों को, ईमो के बारे में बताते रहते हैं और लोगों को पैसा कमाते रहते हैं सब, यही यार देखो हर कोई यहाँ पे इन एंड पैसा कमाने आया, उड़ाने आया, खाने आया, घूमने फिरने आया, तो जस्ट हैड दिस स्टफ। इवन दो अभी रोमित भैया वगैरह जा चुके हैं, ठीक है ना, शोएब भाई को ड्रॉप करना था, तो रोमित भैया चले गए, हम लोग खा रहे हैं करके फिर निकलेंगे, उसके बाद पहुँचाऊँगा घर, बाइक उठानी है, बाइक के ना चेन सॉकेट में से आवाज़ आई थी, और भाई मेरी आदत ऐसी है कि मूड ख़राब होता है दो गियर डाउन मार के, ठीक है, निकल जाओ।